दोस्तों हमारे चैनल नौकरी टाइम में आपका स्वागत है। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बगल के बेल को दबाइए। चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों रेलवे में जो वैकेंसी आई है लगभग 90,000 और जो कैंडिडेट ये फॉर्म भरने वाले हैं या भर दिए हैं उन लोगों के लिए दो बड़ी खुशखबरियां हैं जो रेलवे ने मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने अपने ट्विटर हैंडल में ट्वीट कर बताया। ये 10 से 15 मिनट पहले रेलवे मिनिस्ट्री ने ट्वीट करके हम सबको जानकारी दी है। तो चलिए देखते हैं ये जानकारी है क्या। तो इसमें पहला बताया गया है किसी भी भाषा में सिग्नेचर कर सकते हैं कैंडिडेट, ठीक है। तो ये इतना बड़ा खुशखबरी नहीं था। सेकेंड नंबर बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव रिस्पांस है हमारे रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल के द्वारा। तो देखिए सेकंड क्या है, शुल्क में छूट प्राप्त अभ्यर्थी के लिए एक्स फीस 250 रुपये, यानी जो रिजर्व कैंडिडेट है यानी SC ST और इकोनॉमिक क्लास जो OBC में आता है, अगर उन्हें छूट लेना है तो उसको 250 रुपया एग्ज़ाम पेमेंट करना था फी, ठीक है। तो उन्हें 250 रुपया वापस कर दिया जाएगा एग्ज़ाम, अगर वो बैठते हैं एग्ज़ाम देने के लिए तो वो 250 रुपया उनके जिस अकाउंट से पेमेंट किए थे वे अकाउंट में 250 रुपया डाल दिए जाएंगे। वही बात करते हैं हम सामान्य वर्ग यानी जनरल और OBC में का भी, दोनों का यहाँ पर 500 कट रहा था तो उन्हें 400 रुपीज़ वापस कर दिया जाएगा अगर वे एग्ज़ाम में बैठते हैं, ठीक है। और अगर एग्ज़ाम में नहीं बैठते तो उन्हें परीक्षा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। तो टोटल मिला के यही आता है कि रेलवे का जो प्रीवियस फी था वही बोल सकते हैं कि जो 100 रुपीज़ था, ठीक है, और ST ST उनके लिए फ्री था और फीमेल के लिए भी, ठीक है, वही रखा गया है। ये बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। अगर आपको ये खुशखबरी अच्छा लगा तो ठोक दीजिए लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो को शेयर किए, क्योंकि जो अभ्यर्थी ये भरने वाले नहीं थे वे ये भर सके, ठीक है, क्योंकि फी ज़्यादा नहीं है, 100 है और 400 तो आपका वापस आ जाएगा, इसलिए 100 है। तो वो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये वैकेंसी को भरिए, ठीक है। तो यार एग्ज़ाम भी दीजिए तब आएगा, एग्ज़ाम नहीं देते तो नहीं आएगा। और अगर कोई भी अपडेट आती है एग्ज़ाम के रिलेटेड या कुछ भी, ठीक है, तो वो हमारे चैनल में आपको सबसे पहले दिया जाएगा। तो थैंक यू।